नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। मध्य प्रदेश के हरदा के अस्पताल में एक मां ने असामान्य बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के दोनों पैर घुटने से उल्टे हैं, बच्ची की पीठ और पंजे हैं। बच्ची कमजोर होने के कारण फिलहाल हरदा हॉस्पिटल के एसएनसीयू में भर्ती है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। प्रभारी एसएनसीयू हरदा हॉस्पिटल डॉक्टर दीपक दुगाया ने कहा कि हरदा जिले के ग्राम झांझरी की रहने वाली पप्पी पति विक्रम ने एक असामान्य बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची के दोनों पैर उल्टे हैं, उपचार किया जा रहा है। हड्डी रोग विशेषज्ञ को बताया गया है, उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे उपचार किया जाएगा। शिशु रोग विशेषज्ञ हरदा हॉस्पिटल डॉक्टर सुनील जुनेजा ने कहा कि असामान्य पैदा हुई बच्ची के जन्म के बाद से ही उसके माता पिता और परिजन नहीं मिल रहे हैं। बच्ची के कमजोर होने के कारण डॉक्टरों की टीम की निगरानी, उसका उपचार चल रहा है। इधर बच्ची की माँ पप्पी और दादी पुनियाबाई ने बताया, बच्ची के पैर उल्टे हैं और हम 3 दिनों से हरदा हॉस्पिटल में ही हैं, हम घर नहीं गए। अब्दुल समद की रिपोर्ट। उपचार कि जब तक वो दूध पीने के लायक नहीं हो जाएं, बाहर रहने के लायक नहीं हो जाएं, उनको एसएनसीयू में रखा जाता है। माता पिता का रिएक्शन क्या है सर? माता पिता तो बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराकर जब से चले गए हैं, अभी तक उनका अभी तक वो बच्ची के पूछने के बारे में नहीं आए हैं, उसके हालचाल पूछने के लिए नहीं आए, पर हमारे पास उनका नंबर एड्रेस वगैरह सभी है, तो हम कोशिश करेंगे उनको बात करने की। सर आपका शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर जुनेजा हूँ। पूरा नाम बता दीजिए। डॉक्टर सनी जुनेजा, जिला। मान्य विकृति है, चूँकि आजकल सरकार की मंशा ये रहती है कि डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में हो, ताकि इस तरह की जो विकृतियाँ आती हैं तो उसका समय पर उपचार किया जा सके। सरकार ने एक RBS की समिति बनाई है, RBS की के अंतर्गत जन्मजात विकृतियों का ही इलाज निःशुल्क सरकार द्वारा किया जाता है, तो इस तरह की विकृतियों का पूर्णतः उपचार संभव है। सर आपका शुभ नाम और मैं डॉक्टर दीपक दुगाया, प्रभारी SNCU जिला चिकित्सालय हरदा। सर उसके माता पिता से चर्चा हुई है सर, क्या कहना माता पिता का? थोड़ा क्या बोल रहे हैं माता पिता? माता पिता चिंतित है बच्चे के पैर के बारे में। हमने अभी जो जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ है उनसे संपर्क किया है, किंतु अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, और चूंकि बच्चे का वजन कम है तो अर्ली इंटरवेंशन अभी संभव नहीं है। SNCU में क्यों भर्ती किया गया सर उसको? इसको भर्ती करने का एक तो कारण यह है कि इसको जन्मजात विकृति है, दूसरा जो इसका वजन जो है सामान्य से कम है। ठीक है सर। आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।